नवनियुक्त शिक्षकों की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में नवनियुक्त 75 शिक्षकों को उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उप शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रभारी अमित कुमार वर्मा, सह प्रभारी लता के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण की बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शिक्षक संकुल पद परिचय, इसके अतिरिक्त किए जाने वाले सपोर्टिंग सुपरविजन, न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षणिक बैठक, शिक्षक डायरी के बारे में भी। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप कुमार, अमित कुमार वर्मा, संतोष कुमार मिश्र, अनिल कुमार, मोनिका गौतम, समा जहीर, रुचि सागर, सुमति वाजपेयी, दिलीप कुमार रजक, आभा शुक्ला, मीना भरद्वाज, लक्ष्मी वैश्य, नरेंद्र कुमार, ममता अग्निहोत्री, शशांक तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। आपको मिलेगी अभी टेलीग्राम जो ग्रुप बन रहा है उसके थ्रू ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बाकी आप फिर आएंगे तो दिए जाएंगे दिये जाएं। सर, एक क्लास को पूरा मेंशन करके जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उसपे भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम फ्यूचर होगी तो हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए या मेरे बिहाफ में कौन रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? किस किस श्रेणी के जो है बच्चे वहाँ पर हैं? बहुत कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी जो है पकड़ते हैं किसी भी, तो आपके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वारी हो, आप बिल्कुल बेधड़क, ये खुला सत्र है। और भी प्रश्न है एजुकेशन को लेकर के फील्ड में, इस तरह की चुनौतियां आएगी कैसे उसका सामना करेंगे, तो आपको 2 दिन के अंदर ही बताएंगे। अगर अभी भी जितने भी सेशन हमारे ठीक है तो आप जो है प्रयास कीजिए, अगर आप नहीं पढ़ाने में दक्ष हैं आपका दूसरा साथी होगा वो पढ़ाएगा। किसी भी कार्य के लिए जो है आप आवेशात्मक उसका एटीट्यूड का प्रयोग ना करें, आपसे वार्तालाप होती रही, सभी लोग एक साथ जो है फिर ऊंचे स्वर में बोलेंगे, हाउ इज द जोस, हाउ इज द जोस, हाउ इज द जोस। आप कुछ ग्रहकार और कुछ चीजें बता सकते हैं रोटेशन के आधार पे, पीछे से कोई आप समस्या हो, कोई ऐसी बात जो शंका हो आपके दिमाग में, कोई जिज्ञासा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे तो 2 दिवस में क्या होगा कहाँ अच्छा लगेगा, हो ही नहीं सकता कोई जिज्ञासा ना हो, तो कुछ ओपन सेशन की गरिमा बनाते हुए कुछ क्वेश्चन करिए जो कंफ्यूजन हो, कोई लोग ध्यान दें, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है, मतलब अगर इधर से प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर मिलेंगे। कुछ नहीं, इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं, और आपका प्रश्न ये है कि जहाँ पर हो गए हैं तो वहाँ पर शिक्षक कैसे पढ़ाएं?
इस संदर्भ में देखिए अंग्रेजी विद्यालय जितने भी आपके बने हुए हैं रिसेंट, वहाँ पर जो है अध्यापकों की जो है नियुक्ति की गई है। अगर वहाँ पर नहीं हुई है अध्यापक तो शीघ्र ही पहुँचेंगे, और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अगर आपका वो सब्जेक्ट है ठीक है और आप पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, कंपोजिट विद्यालय हुए, सम्मिलियन हो गया, प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों का सम्मिलियन हो गया, तो वहाँ पर जो है टीचर ये कहता है कि भाई हमारा उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात कही गई है, यानी एक अगर टीचर है तो उसको अपने सब्जेक्ट के साथ अन्य सब्जेक्ट